हम ही जो पाकिस्तान के पास होंगे वो भी ईद के लिए ही रखे होंगे। ये हिसाब बराबर होता है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर साबित किया है कि मानो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की टीम से ही खेल रही। सवाल पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एटम बम वाले बयान पर। उनका अधिकार था कि वो पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करती, लेकिन महबूबा तो वो बोल गईं जो पाकिस्तान के नेता बोलते। पहले सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को क्या कहा था। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के परमाणु बमों को लेकर जो बोला, उसे चुनावी रैली में बोलना चाहिए था या नहीं, इस पर बहस अपनी जगह है। लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के नेता अक्सर भारत के सामने परमाणु बम वाला हवा खड़ा करते रहते थे। पाकिस्तान की परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में जाकर बालाकोट के आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के मद्देनजर एटम बम वाली बात कर दी, तो उसे खारिज करने के लिए महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की जुबान में बात करने लगी। मोदी बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियर बम है हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, तो इस पे आप बता सकते हैं कुछ? वो हम भी जो पाकिस्तान के पास होंगे वो भी ईद के लिए नहीं रखे होंगे, ये हिसाब बराबर होता है। बालाकोट किया, हमला किया, ये तो चलता रहता है आपस में। ये वो महबूबा मुफ्ती हैं जो इस चुनाव प्रचार के दौरान ये कह चुकी हैं कि अगर संविधान के आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया तो कश्मीर भारत से आजाद हो जाएगा। उधर बीजेपी के घोषणा पत्र में संविधान से इन कानूनों को हटा देने का वायदा कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के नाम पर लगभग रोज आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज हर आतंकी को पता है कि अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो ये मोदी है, ये उन्हें पाताल में भी खोजकर सजा देगा और उनको उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली में कांग्रेस पर 1971 के युद्ध में मिली जीत का मौका गंवाने का आरोप भी लगा चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर पीएम मोदी के हमले झेल रही कांग्रेस ने परमाणु बम वाले बयान को लेकर पलटवार किया है, क्योंकि भारत न सिर्फ परमाणु बमों को पहले ना इस्तेमाल करने की नीति रखता है बल्कि इसे लेकर बयानबाजी से भी संयम बरतता रहा है। That is a very unfortunate thing for a responsible leader of any nation to say that the nuclear arsenal we have kept is not meant for Diwali, which means that it should be used, it could be used. Now that I think is highly irresponsible for Mr. Modi to say this. अभी तक का चुनाव प्रचार बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साबित करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के आतंकवाद के सामने कठोर हैं और समझौता नहीं करते, लेकिन परमाणु बम दिवाली के लिए नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने लंबे वक्त तक बहस की गुंजाइश छेड़ दी है। बीजेपी और दूसरे दल इस बयान के बहाने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक दूसरे के खिलाफ खम ठोकेंगे। उधर अभी महबूबा ने ही पाकिस्तान की जुबान में बात की है। कल को खुद इमरान खान इस बयान को ले उड़े तो कोई आश्चर्य नहीं।